हेलो फ्यूचर मेडिकोस, दिस इज़ आर के वेलकमिंग यू टू नॉलेज एग्जाम। आज हम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट लाइंस के सीरीज़ के पार्ट थ्री पर डिस्कशन करेंगे। पार्ट वन एंड टू में हमने कॉन्शियसनेस और सिस्टमैटिक्स जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझा और देखा कि हमें रियल टाइम एग्जाम्स में खुद को कन्फ्यूज़ होने से कैसे बचाना है। वो कहते हैं ना, एनसीईआरटी घुमाती है मगर घूमने का नहीं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए अपने नॉलेज को इवॉल्व करते हैं। सो आज हम मेनली टैक्सोनॉमिकल एड्स की बात करेंगे। जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है, एनसीईआरटी ने एट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बताया है। वो क्या क्या हैं, सबसे पहले देखें तो फ्लोरा, उसके बाद है हमारा हर्बेरियम, फिर आती है कीज, देन जूलॉजिकल पार्क्स, देन म्यूजियम, देन मोनोग्राफ, मैनुअल्स एंड अल्टीमेटली बायोलॉजिकल गार्डन। तो ये सब सारे क्या हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं। ठीक, अब टैक्सोनॉमिकल एड बेसिकली है क्या, तो ये सब क्या, इनको हम एज एन इंस्ट्रूमेंट समझेंगे कि ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ की एड करते हैं या फिर मदद करते हैं। एड का मतलब ही होता है किसी की मदद करना। ऑलराइट, और डिटेल में इसे देखें तो ये सब टैक्सोनॉमिकल एड्स ऑर्गेनिज्म के स्पेसिमेन और उनके इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ताकि हमें टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ जैसे क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन को कंडक्ट या फिर प्रोसेस करने में आसानी हो। यानी हम टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ को सिंपल, मतलब टैक्सोनॉमिकल एड्स को सिंपली ये समझ सकते हैं कि ये सब एज अ हेल्पिंग हैंड के रूप में, एज अ सपोर्ट के रूप में काम करते हैं। किसके लिए, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़, जिसमें हम क्या क्या चीज़ करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हेल्पिंग हैंड के रूप में टैक्सोनॉमिकल एड काम करता है। बहुत ही सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक, अब यहाँ पर कीज़ की बात हो रही है। सो यहाँ पर एक पॉइंट टैक्सोनॉमिकल एड है कीज़। अब ये क्या है, सबसे कॉन्फ्यूजिंग, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड टैक्सोनॉमिकल एड है, तो इसे हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो बने रहेगा हमारे साथ। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है हर्बेरियम की। ठीक है, तो हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स दैट आर ड्राइड प्रेस प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। अब हर्बेरियम क्या है, हमको याद रखना है कि एक स्टोर हाउस के रूप में काम करता है। वो भी क्या, किन के लिए, प्लांट स्पेसिमेन के लिए, ठीक है, एनिमल्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट स्पेसिमेन के लिए। और उनको एक ऑर्डर में हम क्या करते हैं, उनका कलेक्शन करते हैं। ठीक है, कैसे, सबसे पहले प्लांट को हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, उसके बाद प्रेस करते हैं, मतलब उसको चिपकाते हैं शीट पर, एंड देन अल्टीमेटली प्रिजर्व करके शीट्स में रखते हैं। तो हर्बेरियम में हम ये तीन प्रोसेस करते हैं, ये तीनों ऑर्डर को हमें याद रखना है। फिर एक और लाइन आती है हर्बेरियम से रिलेटेड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, हर्बेरियम सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़। अब बात आती है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में, कि जब हमें किसी प्लांट स्पेसिमेन कोई हमारे सामने आया, ठीक है, अब उसके बारे में हमको डेटा चाहिए तुरंत, तो क्या होगा, क्विक रेफरल सिस्टम में हम क्या करेंगे, हर्बेरियम में जाएंगे और उस शीट को निकालेंगे उस प्लांट स्पेसिमेन से रिलेटेड, ठीक है, जो हमको लगता हो कि वो मैचिंग, उसके जो भी फीचर्स हैं वो उस स्पेसिमेन से मैच करते हैं। ठीक, उस स्पेसिमेन को निकालेंगे और प्लांट स्पेसिमेन को हम क्या करेंगे, मैच करके देखेंगे और उसकी डिटेल्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हर्बेरिया क्या करेगा, हर्बेरिया सर्व करेगा क्विक रेफरल सिस्टम के रूप में, जस्ट लाइक एक गाइड या फिर एक रिफ्रेशर के रूप में हर्बेरियम काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हर्बेरियम से रिलेटेड और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ये पॉइंट, ये चारों एज अ क्वेश्चन आ चुका है नीट में, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली बिल्कुल इसी ऑप्शन के रूप में आया था कि हर्बेरियम क्या क्या प्रोवाइड करता है इन्फो। ठीक है, तो उसमें हर एक हर्बेरियम शीट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले है डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, जो भी हमने प्लांट को कलेक्ट किया है उसकी डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखी जाएगी। फिर इंग्लिश, लोकल और बोटैनिकल नेम। ठीक है, बोटैनिकल नेम तो होना ही होना है, साथ ही साथ उसका इंग्लिश और लोकल नेम लिखा जाता है। फिर क्या है, तीसरे में है उसकी फैमिली, उसका फैमिली का नाम, उस स्पेसिमेन का फैमिली का नाम लिखा जाता है। फिर अल्टीमेटली कलेक्टर्स नेम। तो ये सब लाइक क्लास 11 या 12 में ये प्रैक्टिकल एज अ प्रोजेक्ट भी है कि बच्चों को हर्बेरियम बनाना होता है, हर्बेरियम शीट्स अलग अलग प्लांट स्पेसिमेन के, तो इसी ऑर्डर में लिखा जाता है। ठीक है, तो हमें ये सब याद रखना है कि एक हर्बेरियम शीट में कौन कौन सी इन्फो होती हैं, तो ये चार इन्फो होती हैं और ये चारों के चारों इन्फो किस में दी गई है, एनसीईआरटी में। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट बात हो रही है बोटैनिकल गार्डन्स की। ठीक है, तो बोटैनिकल गार्डन्स में क्या कह रहा है, ईच प्लांट इज़ लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटैनिकल और साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पजेस।
अब बोटैनिकल गार्डन बेसिकली क्या है, आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इनमें क्या होता है, जो भी प्लांट इन बोटैनिकल गार्डन्स में होते हैं उनमें दो चीज़ मेंशन की जाती है, उनका बोटैनिकल या फिर साइंटिफिक नेम, साथ ही साथ क्या उसकी फैमिली। तो हमें ये दोनों चीज़ याद रखनी है, ठीक है। उसका ना तो जीनस लिखा जाता है ना कुछ और, उसमें दो चीज़ें लिखी जाती हैं, क्या क्या, बोटैनिकल नेम एंड इट्स फैमिली, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात हो रही है म्यूज़ियम की। अब म्यूज़ियम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है, ज़्यादातर दिमाग में यही रहता है म्यूज़ियम मतलब एनिमल के स्पेसिमेंट्स को स्टफ़ करके प्रिजर्व किया गया है, बट म्यूज़ियम प्लांट्स के लिए भी होता है, ठीक है। म्यूज़ियम प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए होता है, ठीक। अब स्पेसिमेन को क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। कैसे कैसे हम लोग प्रिजर्व करते हैं स्पेसिमेंस को, तो तीन टाइप एनसीईआरटी बताती है कि जार्स में प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन के अंदर, ठीक, फिर ड्राई करके प्रिजर्व किया जाता है, और तीसरा है इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को कैसे प्रिजर्व किया जाता है बॉक्सेस में। अब इंसेक्ट्स को थोड़ा डिटेल में एनसीईआरटी बताती है कि इंसेक्ट के प्रिजर्वेशन का प्रोसेस क्या है म्यूजियम के अंदर। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इंसेक्ट को कलेक्ट किया जाता है, देन उसको क्या किया जाता है, मारा जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, पिन करके बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, ठीक। तो क्या हो गया, इंसेक्ट का प्रिजर्वेशन म्यूजियम में ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो हमें ये सब पॉइंट्स ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी मैं फिर से याद दिला देता हूँ क्या, कि प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए क्या होते हैं, म्यूजियम होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, यस, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है हमारे सामने, वो क्या है, कीज़। अब कीज़ भी क्या है, की भी क्या है, दोनों प्लांट और एनिमल के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब इनके कैरेक्टर्स को पहले बात कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट पेज में हम लोग इसके और डिटेल एक्सप्लेनेशन एग्जांपल के साथ देखेंगे इसे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है क्या कि की किस चीज़ पे बेस्ड होते हैं, सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेस पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, की बेस्ड होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स डेट अकर इन अ पेयर ऑफ कपलेट्स, इसको आगे समझेंगे, पहले इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। फिर तीसरा क्या है, सेपरेट की इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, ईच स्टेटमेंट इन अ की इज़ कॉल्ड अ लीड। और पांचवा है, की आर एनालिटिकल इन नेचर। तो ये पांचों के पांचों पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या होते हैं, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और इसमें एक दो वर्ड यहाँ वहाँ फेर बदल करके पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट कीज़। तो ये सब हमें ध्यान में रखना है। अब की को चलिए डायरेक्टली समझते हैं अपने एग्जांपल से, ठीक है। सारे जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा। चलिए, ऑलराइट, हमारे सामने आ गया है हमारा फ्लो चार्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो यहाँ पर पिछले वाली जो स्लाइड एक बार देख लें फिर से, तो क्या कहा है कि ये तीसरी पॉइंट को से शुरू करेंगे, सेपरेट की इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक। तो यहाँ पर देखें तो सेपरेट की बात हो रही है। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी स्पीशीज़ वाला जो मैंने कहा था कि सी गिव्स फूड टू कैट पांडा को, तो स्पीशीज़ हो, जीनस हो, फैमिली हो, ऑर्डर हो, ये सब हमारी क्या हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं। तो की क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। और वो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, एक पेयर में वो, मतलब उन स्टेटमेंट्स को लिखा जाता है एक पूरे की में, ठीक। तो यहाँ पर हम मैंने एक बेसिकली की बनाया है क्या चीज़ के लिए, क्लास के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कौन सा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, वर्टिब्रेट क्लास। तो अब थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास सपोज एग्जांपल के रूप में एक स्पेसिमेन आया, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म, ठीक, एक एनिमल आया और हमें जानना है कि उसका क्लास कौन सा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक की को हमने उठाया और उस की में दो ऑप्शन है, कपलेट्स के रूप में दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि उसके अंदर क्या उस पर फर दिख रहा है, उस पर बाल दिख रहे हैं या फिर बाल नहीं दिख रहे हैं। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, कॉन्ट्रास्टिंग हो गए, ठीक है, एज अ कपलेट हो गए, क्या अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ कह रहा है कि क्या उस पर बाल हैं, उस ऑर्गेनिज्म जो स्पेसिमिन हमारे सामने हैं, और दूसरा वाला कह रहा है कि क्या उस पर बाल नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब इसको अपने स्पेसिमिन से मैच करेंगे, ठीक है, इस स्टेटमेंट को। तो अगर हमारे स्पेसिमिन में बाल है तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, हैज़ फर है तो इमीडिएटली वो स्पेसिमिन क्या हो जाएगा, मैमल हो जाएगा, और उसकी क्लास हमको पता चल जाएगी क्या है, मैमल है, की के थ्रू। लेकिन क्या होगा, अगर उस पर बाल नहीं है या फिर उस पर फर नहीं है, तो फर नहीं है तो हम उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आगे बढ़ जाएंगे, टैक्सोनॉमिकल एट जो हमारा की चल रहा है उसके नेक्स्ट दो स्टेटमेंट को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया एक स्टेटमेंट को, या तो उसके पास बाल है, या तो इसको एक्सेप्ट किया या फिर उसके पास बाल नहीं है। तो चलिए देखते हैं एक बार,
बाल नहीं है तो क्या करना है? अब बाल उसके पास नहीं है, तो हम आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेटमेंट को, एक को एक्सेप्ट किया और दूसरे को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक, तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं तो क्या है, जब बाल नहीं है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, क्या उसके ऊपर फैदर्स हैं या फिर उसके ऊपर फैदर्स नहीं हैं। ठीक है, फैदर्स हैं या फिर फैदर्स नहीं हैं। तो हमने फिर से अपने स्पेसिमेन को देखा और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर पंख लगे हैं कि नहीं लगे हैं। अब अगर उस स्पेसिमेन के ऊपर पंख लगे हैं तो हमने इमिडिएटली क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया उसकी क्लास को क्या है, कि वो एक बर्ड है। ठीक, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है वो हमारा ऑर्गेनिज्म, बर्ड में। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, कीस क्या कर रहे हैं, दो दो स्टेटमेंट के रूप में लगातार आते जा रहे हैं हमारे सामने। ठीक, अब ऐसे ही हम आगे बढ़ें कि सपोज़ अगर उसमें फेदर्स नहीं हैं तब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट जो कि दो दो स्टेटमेंट के रूप में हमारे साथ सामने हैं। ठीक है, तो थर्ड वाले की पे हम लोग मूव कर जाएंगे जो कि कपलेट के रूप में है, क्या कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक में होता है या फिर एक में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, अब डिटेल थोड़ा होते जा रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे हम कीज़ में उतनी ज़्यादा डिटेलिंग होती जाएगी और ऑर्गेनिज्म के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स हमको पता चलते जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अगर उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इमिडिएटली हमने उसकी क्लास को फिर से पता कर लिया, क्या कि वो क्या है, एक रेप्टाइल है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, हर एक स्टेटमेंट एक लीड के रूप में काम कर रहा है, हमको एक नया लीड दे रहा है। ठीक है, या तो हमको ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली बता दे रहा है कि वो किस टैक्सोनॉमी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, या फिर नेक्स्ट लीड दे रहा है कि आपको आगे बढ़ के ये वाले स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई करके चेक करना है। तो अल्टीमेटली क्या है, की क्या कर रहा है, पीछे वापस चलते हैं और देखते हैं कि की क्या है, सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर। अब सिमिलैरिटीज़ और सिमिलैरिटीज़ को समझें तो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया था पहला वाला, तो ऑर्गेनिज्म को देखना है हमें, जो स्पेसिमेन हमारे, जो हमने, जो एनिमल हमने लिया है हमारे सामने। ठीक, तो उसमें क्या करना है, जो क्वेश्चन है कि उसमें बाल है कि नहीं है, ये क्या है, सपोज़ उसमें बाल नहीं है तो सिमिलैरिटी मैच करना है हमें कि हमारे ऑर्गेनिज्म में बाल हैं कि नहीं है। अगर हैं तो स्टेटमेंट और की दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। नहीं है तो स्टेटमेंट और जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग हो गए, यानी डिसिमिलर हो गए। ठीक है, वैसे ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स डेट अकर इन अ पेयर आर कॉल्ड कपलेट्स। ठीक है, तो जो भी स्टेटमेंट होंगे कीज़ में वो एज अ कपलेट होंगे, पेयर के रूप में होंगे। ठीक है, हाँ या ना के रूप में होंगे, ब्लैक एंड वाइट के रूप में होंगे, ऐसे करके। ठीक है, जैसे कहा था ना, फर है कि नहीं है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ऐसे करके। अब वो, और फिर सेपरेट कीज रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो सेपरेट कीज रिक्वायर्ड मतलब हमने जैसे कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का एग्जांपल लिया, क्लास का, ऐसे ही हम लोग को क्या करना होगा, अलग से एक की बनानी होगी स्पीशीज़ के लिए, वैसे ही फैमिली के लिए, वैसे ही किंगडम के लिए। ठीक, हर कैटेगरी के लिए हमको एक सेपरेट की बनानी होगी। फिर क्या है, हर स्टेटमेंट एक की के अंदर क्या होता है, एक लीड होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, लीड कहते हैं। अब की क्या है, बेसिकली एनालिटिकल इन नेचर, लास्ट वाली लाइन जो है, की क्या है, एनालिटिकल इन नेचर। अब एनालिटिकल मतलब होता है क्या, कि एक लॉजिकल, मतलब एक लॉजिक लगाया हमने, लॉजिक वो नहीं लगा तो हम फिर आगे बढ़ गए। ठीक है, प्रोसेस करते हुए, तो की क्या है, एनालिटिकल इन नेचर। तो ये काफ़ी अच्छा सा फ्लो चार्ट है, एक बार और देख लेते हैं लास्ट बार, कि सपोज़ मान लेते हैं सब कुछ आंसर हम यहाँ पे रिजेक्ट करते चलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से सपोज़ हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म आया और हमने तुरंत कीज से शुरू किया। ठीक, तो उसमें देखा कि उसके पास फर है कि नहीं है, तो हमने कहा नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया, मैमल नहीं हो सकता है। आगे बढ़ें, फर में भी फेदर्स हैं कि नहीं है, तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया कि फेदर्स नहीं है। ठीक, तो यानी बर्ड्स नहीं हैं। अब उसको आगे हम बढ़ें तो देखें कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हमने कहा इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है, जो ऑर्गेनिज्म एज एन एग्जाम्पल हमारे पास है। ठीक है, तो हमने फिर नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ गया। अब देख रहे हैं क्या कि उसमें गिल्स, एडल्ट वाले उस ऑर्गेनिज्म में गिल्स होते हैं कि एडल्ट ऑर्गेनिज्म में गिल्स नहीं होते हैं। ठीक, तो अब इन दोनों में से जो भी फीचर होगा उसमें, वो पक्का क्या होगा, या तो फिश होगा वो ऑर्गेनिज्म अगर उसमें गिल्स होते हैं एडल्ट में, या फिर दूसरा वाला कि अगर गिल्स नहीं होते तो वो क्या होगा, एम्फीबियन होगा। तो एक टाइम में एक कैरेक्टर क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा उस ऑर्गेनिज्म के लिए और दूसरा कैरेक्टर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरे के पूरे कीस के बारे में। ठीक, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, और ये हमारा सबसे लास्ट चल रहा था इस लिविंग वर्ल्ड का, सबसे लास्ट डिस्कशन, पूरा लास्ट पार्ट, पार्ट थ्री। अल्टीमेटली जाते जाते नोट पे देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी है।
तो सबसे पहला है क्या, रिप्रोडक्शन क्या है, इज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन क्या है, इज सिंपली अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक। दूसरा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। लाइफ फॉर्म का डिफाइनिंग फीचर कौन है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सारी की सारी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइंस हैं। फिर तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कॉन्शियसनेस क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जब भी हमको किसी को डिफाइन करना होगा कि क्या चीज़ लिविंग है, तो हम क्या कह देखेंगे उसमें कि वो कॉन्शियसनेस उसमें है कि नहीं है। चौथा है जो हमने नहीं पढ़ा बट लास्ट में देख रहे हैं नोट के रूप में, क्या, मैनुअल्स के बारे में। ठीक है, ये भी मैनुअल्स क्या है हमने देखा था, ये एक टैक्सोनॉमिकल एड है। ठीक है, अब ये क्या करता है, यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। ठीक, अब क्या है, किसकी आइडेंटिफिकेशन करता है, नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। ठीक है, ऑल राइट, दिस वॉज ऑल फॉर टूडे, दिस इज मी आके साइनिंग ऑफ। और भी कुछ अगर डिटेल्स हो आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कमेंट में मैंशन कर सकते हैं, कोई भी डिमांड्स आपकी क्वेरीज हों। एंड नेक्स्ट चैप्टर हम लोग एनसीईआरटी का बायोलॉजी का क्लास 11 से उठाने वाले हैं, जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जल्दी उसकी अपडेट आएंगी। सो ट्यून इन करते रहिएगा, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।